हे गाइस, द अल्टीमेट टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में एसुस ने अपना ज़ेनफोन 5G नाम का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया है और इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन को ऐसे फीचर्स के साथ उतारा गया है कि ये OnePlus 6 और Honor 10 जैसे स्मार्टफोन्स को सीधा टक्कर देता है। इंडियन मार्केट में ज़ेनफोन 5G को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। एक है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, एक है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, और तीसरा है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला। इनके प्राइस की बात करें तो 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 29,999 और जो 128 वाला है उसकी प्राइस है 32,999 और जो 256GB स्टोरेज वाला है वो 36,999 में मिलेगा। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.2 इंच का फुल HD प्लस सुपर IPS डिस्प्ले है। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon का 845 प्रोसेसर मिलेगा जो कि काफी फास्ट है, और उसी के साथ आपको Adreno 630 GPU भी दिया गया है। इस फोन में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, और इस फोन में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और दूसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ आपको आगे की तरफ नॉच डिस्प्ले के साथ आपको फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलता है जो f2.0 अपर्चर के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलता ही है जो कि 0.3 सेकंड में फोन को अनलॉक कर देता है, और इसी के साथ इसमें फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको ज़ेनिमोजी नाम का एक फीचर मिलेगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। स्टोरेज के बारे में जैसे आपको पहले बताया, ये 3 वेरिएंट में आएगा। एक है 64GB, एक है 128GB और एक है 256GB। और अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहे तो आप माइक्रो SD कार्ड के जरिए इसको 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड ओरियो के साथ आता है और इसमें 3300 mAh की बैटरी भी दी गई है। ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है और 9 जुलाई से ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहेगा, तो अगर आप इसे खरीदना चाहे तो वहां से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड एसुस के नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन ज़ेनफोन 5G के बारे में। और टेक न्यूज और रिव्यूज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।